हर एक चीज के बारे में ज्ञान रखता है और गरीबों के तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। अभी जिस दिन हमारा रोड शो होगा उस दिन तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग, बचपन से जानता हूँ इनमें जो जज्बा और जो जुनून मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम भी उसको चाहते हैं दिल से, वो हम तो चाहते हैं, सब तो चाहता है भारत को, हमें तो अच्छा लगता चाहिए और आए जिला प्रशासन बने अच्छा तो सबका काम करें और भी बनवाए और अपनी गली में गांव में भी तरे विकास बहुत बहुत अच्छा है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये गुंडा जलती खत्म हो जाए सारी, और ये चलती है ना अपन हम मार देते हैं लड़ाई चलते हैं इस तो खत्म करना तो बाद बढ़िया लगता है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। आप नामकरण करने जा रहे हैं जी, तो लोगों की सहमति के साथ जा रहे हैं? पूरा गांव बिल्कुल, पूरे गांव का सहयोग मेरे साथ है और ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरे जो साथ पढ़ने वाले लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं। और मैं केवल अपने गांव की नहीं कह रहा, मेरे साथ 15 गांवों का आपका ये अजूम आपको दिखाई दे रहा है। और मैं तो यही कहूंगा केवल ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। अभी जिस दिन हमारा रोड शो होगा उस दिन तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग होंगे। ये एक मेरे छोटे से आह्वान पे ये लोग आए हैं और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव ये जनता लड़ रही है और ये चुनाव एक अध्यापक और राजनेताओं के बीच में है। क्योंकि मेरे को किसी ने चैलेंज किया था कि मास्टर एक बार चुनाव लड़के दिखा, तो ये चुनाव एक अध्यापक और राजनेताओं का है। और ये मैं तो यही कहता हूँ सभी अध्यापकों के लिए, हर कोई पूछता है कि अध्यापक करते क्या है, तो मैं तो ये कहूंगा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं और नौ सीखे पंछियों को बाज बनाते हैं और सुनते हैं दुनिया भर की आवाजें, तब जाके दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। और किसी ने बनाया बुर्जे खलीफा तो क्या, हम तो कच्ची मिट्टी को ताज बनाते हैं, कच्ची मिट्टी को ताज बनाते हैं। ये जो मेरे वार्ड के 15 के 15 गांव हैं, उनके थ्रू ये रैली हमने भी निकाली है। सबसे पहले हमने अपना जो हमारा प्राचीन मंदिर है दादा पूर्णमल मंदिर, वहां से स्नान करके फिर भाड़ा गांव, भाड़ा के बाद नया गांव जाटो वाला, गाड़ी, गाड़ी के बाद मुमताजपुर, झोलरी, ढाणी, लिलोड, सुदराना, जुड्डी, नहार, उसके बाद आपका कुहारड़, भड़ंगी, बिसवा, कारोली और ये गौशाला। मतलब कि मैं तो ये कहता हूँ इन गौ माताओं की कृपा है कि कोरोना के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है। सर आप और क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा यदि मैं जीत के आता हूँ तो जो पहला जागरण होगा मेरे दौरा इस गौशाला में होगा। सर आपके मेरे गांव में 15 गांव मैंने अभी बताया, मेरा पैतृक गांव जो बौआ गांव है, उसके बाद आपका भाड़ा, कारोली, कारोली के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद नए गांव जाटो वाला, उसके बाद आपका मुमताजपुर, मुमताजपुर के बाद में भड़ंगी, कुहारड़, जोलरी, खुर्शीद नगर जिसको आप ढाणी भी कहते हैं, लिलोड, सुदराना, जुड्डी और नहाड़ जो कि भाई हमारी 24 का सबसे बड़ा गांव है, उसके बाद दूसरे नाम पे नंबर पे हमारा पैतृक गांव बहुआ आता है। और मैंने देखो पोस्टर में बार बार मेरे घर वाले भी और बाहर वाले पूछते कि आपने पोस्टर में नाम क्यों नहीं लिखवाया बहुआ, मेरे लिए 15 के 15 गांव मेरे हैं।